So let's do the example of hybridization in case of So I gave you one complex that was cobalt, ammonia, NH3 6, and the charge was 3+. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमने कोबाल्ट को किस स्टेट में लेना है बेटा, इन विच स्टेट वी विल बी टेकिंग द कोबाल्ट, इन द 3+ स्टेट. ठीक है, ठीक है, दोनों आएंगे तो ये एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी तो ये एक ऑर्बिटल में आ जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, दो डी बचे हैं, एक एस बचा है और तीन पी बचे हैं, क्योंकि हमने के साथ बॉन्डिंग करनी है. हमने कितने अमोनिया लगाने हैं? 6. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, तो 6 अमोनिया लगाने के लिए मेरे पास 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो मैंने 6 ऑर्बिटल्स ले लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज D2SP3. ठीक है रमनजीत, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज D2SP3. ठीक है बेटा, सो इन दिस वे वी विल बी डूइंग द एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट विद अमोनिया. ठीक है, सेम इज द केस विद COF6 3-. ठीक है, सो सेम वे से आपने ये एग्जांपल करनी है, अगेन कोबाल्ट इज इन 3+ स्टेट, तो यहाँ पर बस अमोनिया के बजाय क्या लग जाएंगे, 6 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे. यहाँ पर 6 अमोनिया के बजाय अब कौन अटैच हो जाएगा, 6 फ्लोरीन अटैच हो जाएंगे, अदरवाइज सेम इज द एग्जांपल. ओके, सो इन दिस वे हाइब्रिडाइजेशन वी हैव टू फाइंड आउट. अब अगर हमने देखना है कि डी ऑर्बिटल्स लगे हुए हैं, यानी कि जो हमने डी कंपाउंड्स किए थे, ट्रांजिशन मेटल्स किए थे डी ब्लॉक वाले, अगर तो वो लगे हैं तो पहले डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, अगर वो नहीं है, नॉर्मल आपके मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम एस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए. अगर मैं sp3d2 कह रही हूँ, दैट मींस वो नॉर्मल है, ऑक्टाहेड्रल है. ठीक है, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो SF6 की. अगर मैं d2sp3 ले रही हूँ, तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. यहाँ पर नॉर्मल बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट नहीं है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जहां पर मेटल्स डी ब्लॉक के मेटल्स जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में जा रहे हैं. ठीक है, यहां तक हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते आए हैं, म्यूचुअल शेयरिंग वाला. बट यहाँ पर जो होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट, अगर डी ऑर्बिटल्स पहले आ रहे हैं. ठीक है, क्लियर हो गया ये. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ.
हाइब्रिडाइजेशन निकालनी मैंने आपको सिखा दी थी हमने कैसे निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी करते हैं, डेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी, और एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो द नेक्स्ट थ्योरी इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी भी कह देते हैं, जैसे वीबीटी थी, वेस्पर थी, ठीक है, वैसे ही इसको एमओटी कह देते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी क्या है। यू कैन सी फ्रॉम द नेम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि अब हम इसमें मॉलिक्यूल्स की ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, जैसे हम पिछली थ्योरी में भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो सेम इज द केस विद हियर, नाउ वी विल स्टडी हाउ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर एक्चुअली कंबाइंड, ठीक है। डू यू रिमेम्बर वेव फंक्शन, सेकेंड चैप्टर में हम वेव फंक्शन पढ़ के आए थे, दैट वॉज डिनोटेड बाय साई। तो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। हम यही कह रहे थे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेव फंक्शंस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आपने एज्यूम करना है कि आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स। If you are having two atomic orbitals, हर एक का अलग अलग अपना wave function होगा, ठीक है, हर एक का अपना अपना अलग wave function होगा ना, तो can we represent the wave functions like this? अब waves पढ़ के आए हो 10th तक, ठीक है, हम waves को ऐसे express कर सकते हैं ना, तो this can be the wave of one atomic orbital and this can be the wave of another atomic orbital. ठीक है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल की मैंने वेव ले ली है और ये दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल की मैंने वेव ले ली, ठीक है। लेट सपोज दिस इज साई ए एंड लेट सपोज दिस इज साई बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूं। कैन यू सी दिस प्लस एंड माइनस साइन, देख सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो है प्लस एंड माइनस साइन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस साइन और माइनस साइन शो करते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अगर तो प्लस प्लस हो रहा है या माइनस माइनस हो रहा है, दैट मींस दे आर बॉन्डिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, अच्छे से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, प्लस प्लस इज ऑल्सो प्लस, माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस, पढ़ते हो ना। अगर आप प्लस माइनस ले लो तो माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस प्लस ले लो कभी भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपको माइनस में रिजल्ट देंगे, ये आपको प्लस में रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो जब भी आपने प्लस प्लस वाला या माइनस माइनस वाले ऐड करवाने हैं तो वो हमेशा ऐड होके आएंगे आपके पास, ठीक है। जब आप माइनस माइनस वाले भी ऐड करवाओगे, ठीक है, तभी भी वो आपके पास प्लस होके ही आएंगे, ठीक है। बट अगर आप ऑपोजिट ले रहे हो तो दैट विल ऑलवेज डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। वेव फंक्शन आपको क्या बता रहे हैं, एक्चुअली दे आर शोइंग यू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में कम होगी। पढ़ के आए थे ना हम, जब ओवरलैपिंग हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो वो एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। बट जब वो एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो रहे हैं तो एरिया कम हो रहा था, पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो इन द सेम वे हमने इसकी बात करनी। अब जब ये दोनों प्लस हो गए हैं तो ये जो एरिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एरिया, वो भी तो बढ़ जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ये प्लस प्लस वाला एरिया बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस वाला एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा, ठीक है, इनके वेव फंक्शंस को ऐड करके वो हमारा रिजल्टेंट होगा, तो डैट विल बी साई साई ए प्लस साई बी, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है बेटा? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर?
तो जब हमने वेव फंक्शंस को ऐड करना है तो वो एरिया बढ़ के आएगा। यही जब मैंने उनको माइनस करना है, अब आई वॉन्ट टू सब्ट्रैक्ट देम नाउ, ठीक है। अब मैं उनको क्या करना चाहती हूँ, मैं माइनस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो माइनस में, अगर प्लस में ये ऐड होके आया है तो माइनस में क्या होगा, फिर ये डिडक्ट होके आएगा। तो यानी कि जितना था ये पहले, उससे भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा बना लेना, मैंने ऑलरेडी छोटा बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है बेटा, सो यहां पर देखो मैं रिजल्टेंट कैसे देती हूँ। पहले तो आपने यहाँ पे एक स्टार लगाना है वेव फंक्शन के ऊपर, ठीक है। आपने वेव फंक्शन के ऊपर क्या लगाना है, स्टार लगाना है। देन साई ए माइनस साई, यानी कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, मैं बताती हूँ, क्लियर हो गया इतना। एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन बाय एल सी ए ओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ये किस मेथड से कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। एल सी ए ओ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं। अब जब हम लीनियरली कंबाइन करते हैं इनको, तो हमारे पास दो तरह के एटॉमिक और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द अनदर वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब बॉन्डिंग का मतलब क्या है, कि ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक दूसरे के साथ बहुत इजीली कंबाइन करके और उन्होंने बॉन्डिंग कर दी, दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग का मतलब वो इजीली कंबाइन नहीं किए, ठीक है, वो इजीली कंबाइन नहीं किए हैं, सम रिपल्शन फैक्टर इज देयर, रिपल्शन फैक्टर के कारण ही वो कम हो गए ना, उनके ऑर्बिटल का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम इनको कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, विच एक्चुअली डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। जब एंटी बॉन्डिंग कंबाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, क्लियर टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए अब उसके बाद हम सारे ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। लेट सपोज वी टेक द केस ऑफ 1s, ऐसा ही होता है 1s, 1s स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। इसमें अगेन मैं दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो 1s का ऐड कर रही हूँ, देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आ गए, इनके कॉमन रीजन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ मैंने ऐसे शो की थी ना हमने ऐसे, ठीक है। तो सेम वे ये क्या शो कर रहे हैं हमको, दे आर शोइंग एक्चुअली द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि इन दोनों की क्या हो गई है, बॉन्डिंग हो गई है, मैक्सिमम ओवरलैप हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s, ठीक है। अब यही अगर मैं इनके बीच में माइनस साइन डाल दूं, दैट मींस अब ये ऐड होने की बजाय क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस साइन माइनस साइन आ गया, ठीक है, लोब्स का साइन चेंज हो गया। प्लस वाला कभी भी माइनस के साथ कंबाइन नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है। प्लस प्लस कंबाइन करेगा, माइनस माइनस कंबाइन करेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस कंबाइन नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, ओके। चलिए
अब ये ओवरलैपिंग नहीं होगी क्योंकि ये कंबाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि अगर ये कंबाइन नहीं करेंगे डैट मीन्स इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल बी शोइंग देयर लोब्स लाइक दिस। तो हम इनकी लोब्स कैसे शो करेंगे, ऐसे नहीं, ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी जिसमें एड होना था वो सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, ठीक है। Here you will be having a minus sign, ठीक है। So ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया अब, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिग्मा स्टार 1, हमने ऐसे रिप्रेजेंट करने, ठीक है। पहले वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले को, दैट इज सिग्मा, ठीक है। तो जहां पर भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे हमने उनको स्टार्स के साथ क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ओके। सिमिलरली आपने माइनस माइनस वाला कर लेना, ठीक है। अगर आप एक प्लस और एक माइनस को ऐड कर रहे हो, ठीक है। अब ये वाला अगर प्लस है उसमें आप ये माइनस वाला ऐड कर रहे हो तो प्लस माइनस ऐड नहीं होंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो अगेन आपके पास यही केस आ जाना, ठीक है, अगेन आपके पास यही केस आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद चलते हैं पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग पे। अगर मैं पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात करूं तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस द केस ऑफ 2pz. 2pz ऐसे होते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, या ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेम सेम लोब्स चाहिए, ठीक है, आई वांट सेम लोब्स हियर। तो ये प्लस और ये माइनस, अब ये वाली प्लस है ये वाली प्लस है, इधर वाली माइनस है इधर वाली माइनस है, ठीक है। तो प्लस प्लस वाली एक दूसरे में प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस वाली जो है वो एक दूसरे में जाएगी। तो जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा आपका, ठीक है जी, जहां पर ये प्लस प्लस वाला रीजन ज्यादा ऐड हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस होगी और ये माइनस वाला, ठीक है। तो दिस इज बॉन्डिंग टू पी, अगेन मैंने सिग्मा बॉन्ड लिखा है, ध्यान से देखिए, पी वाला जेड वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। पी जेड इज इन्वॉल्व इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हमने सिग्मा बॉन्ड बनाना, ठीक है जी। अब अगर नेक्स्ट केस लें, अब मैंने यहां पर नेगेटिव कर दिया है और यहां पर पॉजिटिव कर दिया है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, और ये कौन सा साइन हो गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साइन चेंज हो गए, तो अब ये ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे दैट मींस हियर नाउ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाले ज्यादा हो जाएंगे, ये नेगेटिव वाले ज्यादा शो होंगे, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला, ठीक है, छोटा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है ना। अगेन आपने यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाला है इसको छोटा सा बनाना है और जो नेगेटिव वाला वो बड़ा सा बनाना, ओके। तो एक पॉजिटिव बना लो एक नेगेटिव बना लो, तो हमने साइंस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेने हैं, ठीक है। Showing that this is negative, this is positive. Positive negative हो गया, अगर ये positive है तो इधर वाला negative आ जाएगा, अगर ये negative है तो इधर वाला positive आ जाएगा, ठीक है। Antibonding है तो sigma star 2pz, ठीक है जी। अब उसके बाद p orbitals 2px and 2py का overlap देख लेते हैं। हाँ, स्टार सिर्फ आपने एंटी बॉन्डिंग में लगाना है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है।
नाउ दिस यू कैन शो फॉर आइदर 2PY और 2PX, ठीक है, तो आप दोनों के लिए जैसे मर्जी शो कर सकते हो. अब इसका और इसका साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है नमन. तो ये क्या कर जाएंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी. तो आपको पता है पी वालों की जो बॉन्डिंग होती है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, ठीक है. सो दिस इज पाई 2PX और पाई 2PY, ठीक है. तो आप कोई भी ऑर्बिटल ले सकते हो, 2PX और 2PY, ठीक है जी. अब नेक्स्ट फाइनल केस कर लेते हैं एंटीबॉन्डिंग वाला, कि अगर इन पी वालों की एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में इन्वॉल्वमेंट हो रही है. इसी में ही कर दूं मैं, ठीक है. अगर ये पॉजिटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है इसका साइन, ठीक है. अब अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जानी है, कम हो जानी है, ठीक है. सो द लोब्स दे कैन बी शोन लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव. तो इन दिस वे द बॉन्डिंग विल बी देयर, ओके. सो दिस इज पाई स्टार 2PX और पाई स्टार 2PY, ठीक है जी. इतना क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, इज दिस क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट टू एनीवन? ओके, सो नाउ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड नाउ, अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस स्टडी करूं, ठीक है, तो आप क्या क्या डिफरेंस के पॉइंट्स बताओगे? If we do the difference between the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital, तो क्या क्या differences के points हैं? Electron density it increases in the bonding one. Anti-bonding में electron density कम हो जाती है. हाँ जी नमन, और signs, ठीक है, यहाँ पर same signs की overlapping होती है. There is same sign of atomic orbitals, okay, but here the different signs of atomic orbitals is there, ठीक है. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट अगर पेपर में आता है तो आपने कंप्लीट सेंटेंसेस में लिखना है, क्योंकि हम कर चुके हैं, ठीक है. हाँ जी, एनी अदर पॉइंट फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आप भी सोचो और नेक्स्ट पॉइंट. वो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ही बोल दिया. और बेटा, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन किसमें स्टेबलाइज होती है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में? बॉन्डिंग वाले बॉन्ड स्टेबलाइजेशन करते हैं या एंटी बॉन्डिंग वाले? बॉन्डिंग वाले, ठीक है. सो बॉन्ड स्टेबलाइजेशन यानी कि आपका स्टेबल बॉन्ड बनता है एंटी बॉन्डिंग में. हेयर द बॉन्ड इज नॉट स्टेबल. अगर एंटी बॉन्डिंग का ज्यादा अमाउंट है तो बॉन्ड्स जो हैं वो स्टेबल नहीं बनते हैं, ठीक है. एक बात और याद रखनी है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है. और अगर एनर्जी कम है तो मैंने क्या समझाया हुआ इसके रिलेटेड आपको, इफ एनर्जी इज लेस व्हाट दैट मींस? हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर एनर्जी किसी चीज की कम है तो डैट मीन्स बॉन्ड इज मोर स्टेबल. वेरी गुड रमन, ठीक है. जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो कम है, ठीक है, और उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए स्टेबल होने के लिए, राइट. थोड़े पैसे में भी खुश हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, चाहे उनके पास थोड़ी एनर्जी है बट दे आर क्वाइट स्टेबल, ठीक है. बट यहां पर क्या है,
एनर्जी इज मोर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बहुत ज्यादा है, हमें उसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टेबल करने के लिए। पैसे ज्यादा हैं फिर भी स्टेबल नहीं है, कहते और आ जाएं और आ जाएं। ओके, इट इज हैविंग मोर एनर्जी बट स्टिल इट इज नॉट स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इट वांट्स मोर एनर्जी टू गेट स्टेबलाइज। तो इसमें रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है। ओके, इसमें रिपल्शन का फैक्टर ज्यादा है, इसमें अट्रैक्शन का फैक्टर ज्यादा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कम एनर्जी चाहिए उनको स्टेबल करने के लिए। ओके, इसको हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय सिग्मा, पाई या डेल्टा। ठीक है, पाई के बाद हम डेल्टा यूज करेंगे। यहां पर सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? ओके, अब इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात कर लो। तो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्री है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला अगर कंबाइन कर रहा है तो सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नॉट सिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन का वो कट के आ रहा है। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट प्रेजेंट देयर। ओके, हाँ जी, क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, अब देखिए आपने एक पॉइंट लिखा है एनर्जी वाला। ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम आगे क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, अब यही आपकी रिप्रेजेंटेशन है एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, हमने कैसे रिप्रेजेंट करने हैं? हियर वी विल शोइंग द एनर्जी। ठीक है, इन दिस वे वी विल बी शोइंग द एनर्जी। जब हमने ये बनाने हैं ऑर्बिटल्स, सो वी विल बी मेकिंग देम लाइक दिस। हम इनको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, जहां पर हमारी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, यहां पर बॉन्डिंग है और यहां पर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पर एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पर दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस इज द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ऊपर है, दैट मींस इट इज हैविंग हाई एनर्जी, एंड द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हैविंग लो एनर्जी। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्यों हम एनर्जी का फैक्टर जो है वो कंसिडर करते हैं? वट कैन बी द रीजन बेटा? आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? हाँ जी नमन, हाँ जी, नॉट ऑडिबल। बॉन्ड स्टेबलाइजेशन, बॉन्ड कैसे स्टेबल बनेगा? कौन बॉन्ड बनाते हैं? बॉन्ड कौन फॉर्म करता है? एक बॉन्ड किससे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो यानी कि हम यहां पर किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। देखिए, जब मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कंबाइन, तो जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है। मैं यही कहती हूँ ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। जब ये कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों की बढ़ जाती है, जिसके कारण जो इन दोनों के न्यूक्लियस है वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, वॉट वी आर डूइंग कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करती है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा स्पेस कवर कर लेती है। ओके,
दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स दे गेट अरेंज्ड व्हेनेवर अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये जो मैंने डॉटेड लगाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इसके बीच में और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, आ गए हैं ना, जब ये न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ठीक है, तो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नाउ दे आर कवरिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बोथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। और जबकि ये पॉजिटिव की और ये पॉजिटिव की जो रिपल्शन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि इनके बीच में कितने सारे क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। गेटिंग द पॉइंट? हाँ जी, गेटिंग द पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सेंटर में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसके कारण पॉजिटिव पॉजिटिव की रिपल्शन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द रिपल्शन फैक्टर इट डिक्रीजेस। ओके, अब रिपल्शन कम है, डेट मीन्स बॉन्ड स्टेबल है। ठीक है, बॉन्ड स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। बट दिस इज ऑपोजिट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सेंटर की बजाय, ये सेंटर की बजाय, आपने देखा था ना, सेंटर में मैंने जगह छोड़ी हुई थी, ऐसे करके ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ठीक है, ऐसे करके ऑर्बिटल्स बनाए थे ना, ये सेंटर वाली जगह छोड़ दी मैंने, तो वो सेंटर की बजाय कहां पर है अब, साइड्स पे। ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअली प्रेजेंट एट द सेंटर, दे आर नाउ प्रेजेंट एट द साइड्स। ओके, तो इसका जो पॉजिटिव होगा न्यूक्लियस, इसका जो पॉजिटिव होगा न्यूक्लियस, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अब रिपेल करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर में अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो जो इसका न्यूक्लियस होगा इस वाले का और जो इस वाले का न्यूक्लियस होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, रिपेल कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स व्हाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे विल बी लेस स्टेबल। ओके,